फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन चैनल्स और बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन चैनल्स के हिसाब से कम्युनिकेशन तीन टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन का जो मेन एलिमेंट है वो है कोई भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज। क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक है ओरल कम्युनिकेशन और एक है रिटेन कम्युनिकेशन। जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करोगे किसी के साथ या रिटेन कम्युनिकेशन करोगे, तब वहाँ आपको ट्रेडिशनल लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। सपोज आप नॉर्थ में रहते हो तो नॉर्थ में मेनली क्या बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, तो आप ओरल, किसी के साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी के साथ रिटेन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किस लैंग्वेज में कर रहे हो? हिंदी में। जैसे आप गुजरात जाओगे तो गुजरात में आप ओरल कम्युनिकेशन के लिए और रिटेन कम्युनिकेशन के लिए आपको गुजराती आना ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी समझते हैं लेकिन वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? गुजराती है। साउथ में जाओगे वहाँ तमिल है, ठीक है, तेलुगू है, कन्नड़ है, ये सारी लैंग्वेज हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज होनी ही चाहिए। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, तेलुगू तमिल हो सकती है। ठीक है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जर्मन है, ये सारी लैंग्वेज हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन में काम आती हैं। ठीक है, यानी ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि लैंग्वेज तो है लेकिन कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज नहीं। ठीक है, उसकी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी लिखने की अपनी एक अलग मैन्यूस्क्रिप्ट है, गुजराती लिखने की एक अपनी अलग मैन्यूस्क्रिप्ट है, संस्कृत की अलग है, इंग्लिश की अलग है, कि चाइनीज, जर्मनी, इनकी सबकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई लैंग्वेज तो होती है लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं होती है। इसी वजह से इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पहली कैटेगरी है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का क्या मतलब है? काइनेसिक्स का मतलब है किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। किसी के बैठने से, किसी के चलने से एक कम्युनिकेशन होता है। आपको पता चलता है कि अगर कोई किस तरीके से बैठता है तो उसकी किस तरीके की पर्सनालिटी होगी, कोई किसी एक तरीके से चलता है तो उसकी किस तरीके की पर्सनालिटी होगी। बॉडी लैंग्वेज भी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बताती है, तो इसी को बोलते हैं काइनेसिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेट के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हैप्टिक। हैप्टिक क्या है? हैप्टिक है टच, कि आप किसी के टच से भी कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हैप्टिक कैटेगरी में। जैसे जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो हाथ मिलाने के तरीके से भी आपको पता चलता है कि हाथ मिलाने से भी एक कम्युनिकेशन होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो, जब आप किसी को हग करते हो, ठीक है, जब आप किसी के पैर छूते हो, तो वो उस टच से कम्युनिकेशन होता है। उस नेक्स्ट है क्रोमैटिक। अब क्रोमैटिक क्या है? क्रोमैटिक में हम करते हैं कलर कम्युनिकेशन। ठीक, कलर कम्युनिकेशन जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में, ठीक है, येलो है, रेड है, और क्या है? ग्रीन।
आपको पता है येलो का क्या मतलब होता है, रेड का क्या मतलब होता है और ग्रीन का क्या मतलब होता है, ऐसे ही कलर कम्युनिकेशन होता है। तो अगर कलर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किस में आएगा, क्रोमेटिक में, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर देख के लोगों को बहुत ज़्यादा पीस मिलता है क्योंकि नेचर का वो कलर है, ठीक है। कुछ ब्राइट कलर होते हैं जिनको देख के इरीटेशन होती है, तो कलर भी आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर क्रोमेटिक की बात हो रही है तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, कलर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब है, जब आप बोलते हैं तो आपका आपका पिच हो गया, ठीक, आपकी टोन हो गई, आपका वॉल्यूम हो गया, आपकी आवाज़ का टेम्पो हो गया, ठीक है। इन सब से भी कम्युनिकेशन होता है कि सपोज आपका पिच कैसा है, बात करते टाइम पिच लो है तो आपको पता चलता है कि सामने वाला थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है। अगर आप इस थोड़ा सा है ही है तो जो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है तो आपको लगता है कि सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। ऐसी टोन है, आपकी टोन ऊपर नीचे हो जाती है तो पता चलता है कि आप नॉर्मल गुस्से में बात कर रहे हो या प्यार से बात कर रहे हो। ऐसी वॉल्यूम का है, आपकी जब आवाज़ का वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है कि आप किस मूड में हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है अभी, आपका मूड क्या है अभी। जब पैरा लैंग्वेज की बात होगी तो आपका पिच, आपका टोन, आपका वॉल्यूम, आपका टेम्पो, आपकी आवाज़ का रिदम, उससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मतलब है जब आप इशारों में किसी से कुछ कहते हैं, इशारों में किसी से कुछ बात करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके के साइन यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, अभी अपने कुछ फ्रेंड को कुछ कहना है और टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप साइन लैंग्वेज में बात करते हो। या कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है या कोई सेमिनार चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ बात नहीं कर सकते तो आप साइन लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक। या मम्मी आपको इशारे से कुछ बता रही हैं किसी काम करने के लिए, तो ये सब क्या है, साइन लैंग्वेज, ठीक है। ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स का क्या मतलब है, जब कम्युनिकेशन के लिए आप अपनी आईज का यूज करते हो, आँखों का यूज करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूलेसिक्स। ये नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में किस क्या कम्युनिकेशन होता है। कि काइनेसिक्स की अगर बात हो रही है तो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। क्रोमेटिक की बात हो रही है तो कलर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हैप्टिक की बात हो रही है तो इट मीन्स टच की बात हो रही है। पैरा लैंग्वेज की बात हो रही है तो किसी की आवाज़ की पिच, टोन, वॉल्यूम और टेम्पो की बात हो रही है। साइन लैंग्वेज की बात हो रही है तो इशारों की बात हो रही है। ऑक्यूलेसिक्स की बात हो रही है तो आई मूवमेंट की बात हो रही है। क्रोनीमिक्स। क्रोनीमिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, टाइम के हिसाब से भी कम्युनिकेशन होता है। सपोज कोई पर्सन है जो हर जगह टाइमली पहुंचता है, ठीक है, और एक पर्सन है जो हर जगह लेट पहुंचता है, तो जो टाइम से पहुंच रहा है उसके बारे में लोगों का परसेप्शन कुछ और बनेगा, ठीक है, और जो हमेशा लेट पहुंच रहा है उसके बारे में परसेप्शन कुछ और बनेगा। इसी को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ टाइम, कि टाइम से भी कम्युनिकेशन होता है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है जो रात को 10 बजे सोता है और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाता है और अपना रेगुलर काम करता है, ठीक है, और एक पर्सन है रात को 3 बजे सोता है, एक और पर्सन है जो रात को 3 बजे सोता है और दिन में 12 बजे उठता है। तो इस पर्सन के लिए आपका परसेप्शन कुछ और होगा और इस पर्सन के लिए आपका परसेप्शन कुछ और होगा। यही है लैंग्वेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर क्रोनीमिक्स की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है,
टाइम की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्यूलेसिक्स की बात हो रही है तो मतलब आई मूवमेंट की बात हो रही है, आई मूवमेंट से कम्युनिकेशन हो रहा है। साइन लैंग्वेज आपको पता ही है। पैरा लैंग्वेज की अगर बात हो रही है तो मतलब साउंड की पिच से, टोन से, वॉल्यूम से, टेम्पो की बात हो रही है। क्रोमेटिक की अगर बात हो रही है तो मतलब कलर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हैप्टिक का मतलब है कि टच की बात हो रही है। काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पस से। लास्ट क्या बचा है, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में एक शॉर्ट टर्म बना लीजिए आप, IPSP। प्रॉक्सिमिक्स का मेन है स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है, ये याद रखिए, स्पेस और स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। IPSP ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। आई का मतलब है इंटीमेट स्पेस, पी का मतलब है पर्सनल स्पेस, एस का मतलब है सोशल स्पेस, और पी का मतलब है पब्लिक स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स का क्या है कि लोगों के बीच में प्रॉक्सिमिटी कितनी है, कि उस प्रॉक्सिमिटी के, प्रॉक्सिमिटी का हिंदी होता है समीपता, कि आप किसी के कितने पास हो, कितने दूर हो, उससे लोगों को कुछ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो यही है कि प्रॉक्सिमिक्स में क्या है कि लोगों की प्रॉक्सिमिटी आप चेक करते हो, उनकी समीपता आप चेक करते हो, कि उनके बीच में कम डिस्टेंस है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या सबसे ज़्यादा है। तो उसी में कैटेगरी बनाई गई है IPSP। आई मतलब इंटीमेट स्पेस, ठीक है, पी मतलब पर्सनल स्पेस, एस मतलब सोशल स्पेस, और पी मतलब पब्लिक स्पेस। अब जो पब्लिक स्पेस है इसका डिस्टेंस 25 फीट माना गया है, ठीक है, और जो सोशल स्पेस होता है वो है 12 फीट, और जो पर्सनल स्पेस होता है वो 4 फीट है, और जो इंटीमेट स्पेस होता है वो 1 से 2 फीट का होता है। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन 25 फीट की दूरी पर है, इट मीन्स आप पब्लिक स्पेस में हो, ठीक है। जब 12 फीट की दूरी पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो, इट मीन्स आपका सोशल स्पेस है, ठीक है। वहीं आप 4 फीट की दूरी से अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, इट मीन्स आपका वो पर्सनल स्पेस है, और 1 से 2 फीट की दूरी को हम इंटीमेट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन अगर है अभी भी, अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, अब है विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, जहां विजुअल एलिमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा हो। विजुअल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सपोज आपने देखे होंगे किताबों में ग्राफ होते हैं, ठीक है, वो विजुअली आपको दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम होते हैं, ये क्या है, विजुअल एलिमेंट है। ठीक, जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि हर जगह बिल बोर्ड लगे हैं, ठीक, जो कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आते हो तो उस प्रोडक्ट पे एक डिज़ाइन होती है, एक पैकेजिंग होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक विजुअल एलिमेंट है, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ में आ गया विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पर विजुअल एलिमेंट के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो, जैसे ग्राफ है, डायग्राम है, बिलबोर्ड है, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, ठीक है, बाहर बिलबोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं,
ठीक है, तो ये सब क्या है, विजुअल एलिमेंट है जिनके थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग कितने तरीके का होता है।